बात करते हैं, बार बार आप चुनाव उठा लो, लड़के वोट डाले सारे के सारे बेरोजगार हैं। देखिए इन्होंने देश कमजोर कर दिया, उसकी बात करो। हाँ जी देखिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, हम पहले दिन से आपको हमें जानती है, मैं तो जानती है, तो पूरा दिखाते हैं, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब दे रही हूँ। भाई मेरे से कह रहा है चुनाव का बार बार सवाल भाई जी, ये सुनिए ये बेरोजगार भाई, ये जो ईवीएम वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रही, उनका फिर क्या कहोगे उन्हें? पेपर लीक हो जाए अंग्रेजी का इनके में, ये यूपी टेट का पेपर लीक हो जाए इनकी सरकार में, उससे क्या कहोगे सिस्टम को? सरकार हटानी जरूरी है ना, बिल्कुल हटानी जरूरी है। आप एक बात बताइए, युवा ना कौन पसंद कर रहा, बताइए कोई भी नहीं, क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करते, क्यों नहीं करते? बेरोजगार बेरोजगारी है, कोई बात नहीं, मुद्दे की बात करो, कोई बात नहीं। भैया 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 मुद्दे की बात करिए, दो साल से एयरफोर्स का रिजल्ट है, नेवी है, आर्मी है, अरे ये तो बैलेट पेपर से क्या है? कैंडिडेट ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी साथ हैं प्रोडक्ट्स में, उनके जो पेरेंट्स हैं कैंडिडेट हो गए, उनके पेरेंट्स भी साथ हैं कैंडिडेट के। मशीन की वीडियो वायरल हो रही है, उनको क्या कहोगे? ये युवा बेरोजगार हैं, इनकी मांगे कहां तक पहुंचाने प्रयास करेंगे आप? अरे हम तो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं, हम तो नुकह रहे हैं कल ही नौकरी दे तो अपने घर चले जाएंगे। राजनाथ सिंह आपकी पार्टी क्यों आई? पार्टी आगे जरूरी है, सुनिए। राजनाथ सिंह अमरोहा, राजनाथ सिंह अमरोहा दिल्ली में वादा करके आए थे, पार्टी के बैनर के नीचे नहीं आ सकते। आपके नेता क्यों नहीं खड़े? आपके बड़े नेता इन बच्चों की मांग को पार्लियामेंट उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? सुनिए अभी पीछे भी मांग उठाई थी, अभी बेरोजगारी पे ट्वीट भी करा था। और दूसरी बात, यहाँ पे हम किसी पार्टी की बात करने नहीं आए, यहाँ ये बेरोजगार है, हम भी बेरोजगार, बेरोजगारी की बात उठाएंगे, हमने भी उठाई है। ये बात मत कही आपकी नहीं उठाई है। कांग्रेस बार कांग्रेस कांग्रेस की बात क्यों कर रहा है आप यहाँ पे? युवाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात, सदन में उठती है बात कैसे नहीं उठती? दीपेंद्र हुड्डा ने बात उठाई, बेरोजगारी कैसी बात करते हो आप? इन लड़कों की क्यों उठाई? इन लड़कों की मुद्दे की बात करो, कौन कर इनके मांग पत्र ले जाकर इनका आज पहला धरना है, और इनका आज पहला धरना आर्मी के लिए, बेरोजगारी के लिए उठाई है, बेरोजगार जी ने भी उठाई है, प्रियंका जी ने भी ट्वीट करा। दूसरी बात, मैं यहाँ अपनी पार्टी का वो करने नहीं आई हूँ, मैं इनका सहयोग करने आई हूँ। अरे मैं आई हूँ इनका सहयोग कर रही हूँ, आवाज को उठाऊंगी और बुलंद करूंगी। कैसे करोगी आप? कैसे करी जाएगा आवाज बुलंद? भाई आवाज कैसे बोल के करी जाएगी? पार्लियामेंट से कैसे पहुंचेगी? पार्लियामेंट मैं मेंबर हूँ, मैं मेंबर हूँ। आप बोल गए पार्लियामेंट से कैसे बोल गए? आप आपने कुछ हम सर आर्मी की एग्जाम नहीं हो रहा है, एक साल से बहुत बड़ा मुद्दा है सर हमारे राजस्थान में, बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, एक साल से आर्मी का रिटर्न नहीं हो रहा है, फिजिकल और मेडिकल हो चुका है। हमने सुपर एक्सीलेंट मारा था उदयपुर भर्ती में, जो ये पेयर है ना सर, ये सुपर एक्सीलेंट मारा था, लेकिन अभी भी मार सकते हैं, लेकिन आगे की ना भर्ती आ रही है ना एग्जाम हो रहा है, तो क्या करें सर, परेशान हो गए हम घर बैठे बैठे। जी सर हमें नौकरी चाहिए, वो भी इंडियन आर्मी में, दूसरे में नहीं जाना है सर हमें। सरकार तो निजीकरण कर रही है ना, इंडियन आर्मी का निजीकरण नहीं हो सकता ना सर, इंडियन आर्मी का अगर निजीकरण हो जाएगा तो इसका मतलब तो देश का ही निजीकरण हो गया है सर। क्या वजह लग रही है, क्यों नहीं नौकरियां निकल रही है? नौकरियां निकलने का जो है अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा सका है, जो बड़े से बड़े अफसर हैं वो भी कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। जो केंद्र सरकार है, ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी चूक है, यहाँ पे केंद्र सरकार को युवाओं को जो मांग है उनको
उनसे उच्च स्तरीय लेकर के और इस पर कमेटी बैठा के जल्द से जल्द आर्मी एग्जाम कराना चाहिए और नई भर्ती निकालनी चाहिए, नहीं तो आज के युवा है वो आत्महत्या करने तक भी मजबूर हो रहे हैं दो साल से भर्ती नहीं आने की वजह से। हमारा मैं मेडिकल सर, मैं मेडिकल मेडिकल और रनिंग दोनों क्लियर है, हम दोनों फिट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी है मेरे, आर्मी में मेरी नौकरी लग चुकी है फिर भी नहीं लगी है। इसका कारण है कि जो प्रक्रिया है भर्ती की वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है सर। जो आर्मी का रिटर्न है आज एक साल दो महीने हो गए हैं सर, 14 महीने हो गए हैं, अब तक हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है अगर प्रोसेस से चलता तो। सरकार क्या कह रही है? सरकार से तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आ रहा है। एक बार अभी पहले लोकसभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने मुद्दा उठाया, फिर अलग अलग सांसदों ने मुद्दा उठाया, उसके बावजूद भी जो सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रही है, साइट पर कोई नहीं दे जा रही है, भरम फैलाया जा रहा है अलग अलग, और अभी तक जो भी एग्जाम की है भर्ती की है कोई भी अपडेट नहीं है ऑनलाइन प्रूफ। पूरे देश से आए हैं सर, ऑल इंडिया से आए सर। हम सर रात को, हम जो नागौर से हैं 50 बंदे हैं नागौर से, हम एक साथ और जो पहले तो हमने बहुत संघर्ष करके पैदल चले, फिर ट्रेन के अंदर आए, लोकल टिकट थी हमारे पास और ट्रेन में संघर्ष करते करते रात सुबह दिल्ली पहुंचे हम, और दिल्ली से संघर्ष करते करते इस मैदान में पहुंचे हैं, और ये हमारा संघर्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगर पहुंचना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बहुत बड़े बड़े नेता भी क्या सर कहाँ ठीक करी है सरकार। अगर ऐसा चलता रहा, अभी तो मान लिया चार राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है, अगर चार राज्यों में भाजपा की सरकार आ गई है, लेकिन अगर अब आर्मी के बंधु के साथ अगर गलत हुआ, जो आर्मी जो देश का जो किसान और जवान है वो भगवान के बराबर होता है, अगर उनके साथ भी गलत होता है तो फिर महीने यहाँ पर जिस स्थान पर आप आए हो आज जंतर मंतर पर एसएससी जीडी मेडिकल बोर्ड के बच्चे बैठे हैं, 13 महीने आंदोलन कर उनका कुछ नहीं हुआ सरकार, एसएससी जीडी का नहीं हुआ, लेकिन सर अब ये जो आंदोलन है वो कुछ स्तर पर हो गया है सर। हमारे वहाँ एसडीएम को, जिला कलेक्टर को, हर नागौर जिले में, हर तहसील में धरना प्रदर्शन हो रहा है केंद्र सरकार के विरुद्ध। अगर केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य चुनाव में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और भुगतना पड़ेगा अगर अभी भी इस आर्मी एग्जाम पे जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो। आज रहेगा आंदोलन, ये आंदोलन चलेगा सर जब तक भर्ती नहीं होगी, ये आंदोलन बंद नहीं होगा, महीना नहीं है साल तक चलेगा, ये भर्ती नहीं करेंगे जब मंदा क्या सर, दो साल से भर्ती नहीं निकाली है, शनिवार 19 में 24 तारीख को इन्हें भर्ती निकाली सर, एक जीडी भर्ती देखी है मेरी, जीडी पूरी चली गई सर, पर ट्रेडमैन बची है, अब ट्रेडमैन भी नहीं देखने देंगे, ये ट्रेडमैन भी नहीं देखने देंगे सर, भर्ती चाहिए सर, मंदिर ये सब बात के मुद्दा है, सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ देश का एक एक नौजवान यहाँ भटक रहा है, एक एक भटक रहा है देश का सर, हमारी मांगे पूरी करो सर, सर हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो सर, देश का नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया, आत्महत्या कर रहा है सर देश का नौजवान सर, देश के नौजवानों के पैरों में छाले पड़ गए रेस मारते मारते, मगर भर्ती नहीं निकाल रहे ये सरकार, मंदिरों पर जाए मंदिर नहीं, मंदिर बने वो अलग बात है, मगर सबसे बड़ी बेरोजगारी है देश में, देश किससे चलता है, रोजगार से चलता है, व्यवस्था से चलता है, मंदिर से नहीं चलता है सर, सर मंदिर नहीं मुझे फिर रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए सर, मंदिर नहीं मुझे रोजगार चाहिए, हर एक नौजवान को रोजगार चाहिए, मंदिर बाद में चाहिए, रोजगार चाहिए सर, मंदिर ऐसा नहीं है कि हम, ऐसा नहीं है सर हम भगवान को नहीं मानते, सुनो ऐसा नहीं है हम भगवान को नहीं मानते, मगर सबसे पहले हमें रोजगार चाहिए, सुनो सर इन्हें, सुनो सर रोजगार के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने जीडी भर्ती नहीं देखी हो, मेरी जीडी की उम्र निकल गई, जीडी की उम्र निकल गई, मेरे माँ बाप क्या सोचते होंगे, क्या समझ रहे हैं बताइए, मंदिर भी बनाते हैं ना तो अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं, वो अपने कमाई के लिए बनाते हैं, मंदिर भी बना रहे हैं ना उसके भी पीछे स्वार्थ है, हमारे देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो गया है सर कि हर चीज के अंदर अपना ही स्वार्थ देखा जा रहा है, हर चीज में अपना स्वार्थ, खत्म तो इस देश से बहुत टाइम लगेगा सर, बहुत टाइम लगेगा भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए सर, अभी तो इतना भ्रष्टाचार भारत के अंदर फैल रखा है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यही रहेंगे, हम लाल किले पे घेराव करेंगे।